अथर्ववेद राष्ट्र के ऐश्वर्य की वृद्धि, सुक्त 54, ऋषि ब्रह्मा देवता अग्निशोमोह, मैं श्रेष्ठ के साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, हमारे राजा का राज्य बढ़े और धन भी ऐसा बढ़े कि जैसी घास वृष्टि से बढ़ जाती है। हमारे राज्य का राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे, राष्ट्र के हित करने वाले लोगों में यह प्रमुख होवे और श्रेष्ठ के साथ बढ़ता रहे। कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे, उसका नाश करो। यह सूक्त स्पष्ट है, राष्ट्रीय उन्नति की प्रार्थना है। अपनी श्रेष्ठों से संबंध जोड़ना और यज्ञमय जीवन बनाना, यह मनुष्य का कर्तव्य यहाँ बताया गया है। इसके अनंतर परमेश्वर की प्रार्थना की जाए तो वह निसंदेह सफल होगी। अपना राज्य बढ़े, धन बढ़े, स्वराज्य ना हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकार की उन्नति हो जावे, यह इस प्रार्थना का आशय है। अथर्ववेद उत्तम मार्ग से जाना, सुक्त 55, ऋषि ब्रह्मा देवता पहले विश्व देवा 2 और 3 रुद्र, उत्तम विद्वान सज्जनों के जाने आने के अथवा व्यवहार करने के जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हो उसी पर से चलना उचित है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि जिससे 6 ऋतुओं में उत्तम सुख लाभ हो, गांवों और प्रजाओं से हित का साधन हो और घर में कोई दोष ना हो। हर एक वर्ष उत्तम अन्न प्राप्त प्रमाण में उत्पन्न कर और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कार युक्त मन और बुद्धि में रहे, अर्थात तेरे विषय में उनकी सम्मति उत्तम रहे, ऐसा आचरण कर। संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर, ये संवत्सरों के 5 नाम क्रमशः प्रभव से लेकर हर एक पंचयुगी में है। इसी प्रकार कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये चतुर्युगी नाम हैं। सज्जनों के व्यवहार करने के शुभ मार्गों से भी जो मार्ग सबसे श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिए। अपना आचरण उत्तम रहा तो सब ऋतुओं से लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है। हर एक को ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिए कि जिससे सज्जन प्रसन्न हो। हर वर्ष खेती से इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिए कि जो अपने लिए प्राप्त हो सके। अथर्ववेद सर्व से बचना, सुक्त 56, ऋषि ही संताति ही देवता प्रथम विश्व देवा 2 और 3 रुद्र है। मनुष्यों को अपने निवास स्थान में ऐसा सुप्रबंध करना चाहिए कि जिससे सर्प दंश से मनुष्य या पशु कदापि ना मरे। तृतीय मंत्र से सर्प को मारना चाहिए ऐसा भी पता लगता है। मंत्रों का अन्य भाव दुर्बोध है और बड़ी खोज की अपेक्षा रखता है। अथर्ववेद जल चिकित्सा, सुक्त 57, ऋषि ही संताति ही देवता रुद्र, यह जल उत्तम औषध है, वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। शस्त्रों के व्रण को भी जल चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। जल से पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान, कटि स्नान भी जल से करो, इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल बड़ी तीव्र औषधि है। इस जल से दीर्घ जीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्य का सुख भी प्राप्त हो सकता है। जल से शरीर की शांति, समता, सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आम रोग दूर होते हैं, शरीर की सजावट नष्ट होती है। जल पूर्ण औषधि है, जल निसंदेह सबकी औषधि है। इस सूक्त का अभिप्राय स्पष्ट है, जल चिकित्सा का उपदेश करने वाला यह सूक्त है। जल से संपूर्ण शरीर भिगाने से पूर्ण स्नान होता है और रोग वाला भाग भिगाने से अर्ध स्नान होता है। योजना पूर्वक इनका उपयोग करने से बहुत लाभ होता है। पहला, ब्रह्मचर्य पालन के लिए शिशन स्नान शीत जल से करना तथा आसपास का प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शांत करना। दूसरा, कब्जी हटाने के लिए नाभि से लेकर जंघा तक का भाग पानी में भीग जाए, ऐसे बर्तन में पानी डालकर बैठ जाना और कपड़े से पेट और नाभि के स्थान की मालिश पानी में करने से कब्जी हटती है और आम के रोग दूर होते हैं। शरीर में सड़ने वाले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार नमक जल से नेत्र स्नान करने से नेत्र दोष दूर होते हैं। बिच्छू के विष की बाधा हो जावे तो ऊपर से सतत जलधारा छोड़ने से विष उतरता है, परंतु इस विषय में अधिक प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में मस्तिष्क तपने से उन्माद हुआ तो सिर पर शीत जल की पट्टी रखने से त्वरित उन्माद हट जाता है।
स्त्रियां या पुरुषों के प्रमेह रोग के निवारणार्थ कठिन स्नान उत्तम उपाय है। इंद्रिय स्नान और स्त्रियों के लिए अंतः स्नान भी उपयोगी है। इस प्रकार योजना पूर्वक प्रयोग करने से प्रायः सभी रोग जलोपचार से दूर हो सकते हैं। अथर्ववेद यश की इच्छा सूक्त 58 ऋषि अथर्वा यश कामः देवता बृहस्पति मंत्रोक्ताः धूलोक भूलोक सूर्य इंद्र आदि सब मुझे सहायता करें जिससे मैं यशस्वी हूँ। इस त्रिलोकी के सूर्य तेजस्वी हैं, सब औषधियों में रस भाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्यों में मैं श्रेष्ठ बनूं। इंद्र अग्नि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं अधिक श्रेष्ठ यश वाला हो जाऊं। मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यज्ञ फैले। मनुष्य के सामने सूर्य इंद्र अग्नि और सोम के आदर्श रहे। सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, इंद्र चेतना देते हैं, अग्नि उष्णता देते हैं, सोम रोग दूर करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार करे और यशस्वी बने। सूर्य आदि सब देव स्वार्थ छोड़ परोपकार में अपने आप को लगा रखते हैं। उनके यश का बीज इस परोपकार में है। जो मनुष्य इस प्रकार निस्वार्थ जन सेवा करेगा वह भी उनके समान ही प्रशस्त यश से युक्त होगा। अथर्ववेद अरुंधति औषधि सूक्त 59 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र मंत्रोक्ता अरुंधति नामक औषधि गाय बैल आदि चतुष्पाद और पक्षी आदि द्विपादों को निरोग करती है और सुख प्रदान करती है। अरुंधति तथा अन्य औषधियां सुख देने वाली हैं। इनसे गौएं अधिक दूध देने वाली बनती हैं और सब प्राणी निरोग होते हैं। अनेक रंग रूप वाली यह जीवन देने वाला औषधि स्तुति करने योग्य है। पशु पक्षियों और मनुष्यों को होने वाले रोग इससे दूर होते हैं। अरुंधति अरु का अर्थ संधि स्थान जोड़। इस स्थान के रोग ठीक करने वाली औषधि अरुंधति है। इसका आजकल का नाम क्या है इसका पता नहीं चलता। खोज करके निश्चय करना चाहिए। यह गऊओं को खिलाने से गऊएं अधिक दूध देने लगती हैं। इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं। जीवला औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है। संभव है कि जीवला अनुधंती ये नाम एक ही औषधि के हैं। यह खोज का विषय है। अथर्ववेद विवाह सूक्त 60 ऋषि अथर्वा देवता अर्यमा सूर्य उदय को प्राप्त होकर अस्त हो जाता है। इस कारण कन्या और पुत्र की आयु बढ़ती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी के अनुसार स्त्री पुरुष में पति पत्नी की प्राप्ति करने की इच्छा भी प्रदीप्त होती जाती है। कन्याएं जिस समय दूसरी कन्या के विवाह संस्कार में जाती हैं उस समय उनके मन में अपने विवाह का विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकार का कष्ट होता है। इसीलिए यह विचार कन्या के मन में उत्पन्न होने के पश्चात उस कन्या का विवाह करना चाहिए। ईश्वर ने पृथ्वी सूर्य और धूलोक को यथास्थान धारण किया है, इसीलिए वह निसंदेह इस कन्या के लिए अनुरूप पति भी दे सकता है। इस सूक्त में निम्नलिखित बातें कही हैं। पहली, विशिष्ट आयु में पुरुष में स्त्री की और स्त्री में पुरुष की इच्छा होती है, इसके पश्चात विवाह का समय होता है। दूसरी, विवाह आदि संस्कारों में सम्मिलित होने से कन्याओं में विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती है, यह समय कन्या के विवाह का है। तीसरी, पत्नी पति की इच्छा करने वाली और पति पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला होने पर विवाह हो। विपरीत अवस्था कदापि ना हो, इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए। अथर्ववेद परमेश्वर की महिमा सूक्त 61 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र जल परमेश्वर की प्रेरणा से मधुर रस के साथ बह रहा है। सूर्य उसी के लिए प्रकाशते हैं। सब अन्य देव उन्हीं की महिमा का विस्तार कर रहे हैं। पृथ्वी धूलोक उसी ईश्वर ने बनाए हैं। 6 ऋतु और अधिक मास मिलकर 7 उसी द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्य की वाणी उसी की प्रेरणा से बोली जाती है। 7 समुद्र और 7 नदियां उन्हीं की आज्ञा से हुई हैं। अंदर की प्रेरणा वही करता है और अग्नि के साथ सोम शक्ति उन्होंने ही जोड़ी है। इस विश्व की रचना परमेश्वर करता है, यह बात स्वयं परमेश्वर ने इस सूक्त में कही है। यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद अपनी पवित्रता सूक्त 62 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र मंत्रोक्ता अग्नि वाणी के रूप से, वायु प्राण के रूप से, जल विविध रूप से,
तथा धुलोक व पृथ्वी लोक अपनी अपनी शक्तियों से हमारी शुद्धता करें, अर्थात ये देवताएं हमारे शरीर में आकर रह रही हैं और उन्होंने यहाँ ये रूप लिए हैं। इनसे हमारी पवित्रता होवे। सब मनुष्य सत्य भाषण करें और ईश्वर के गुणगान करें, इस प्रकार की वाणी के लिए अमर्याद स्थान है। हम उक्त प्रकार के वचन कहते हुए धन प्राप्त करें। हम अंतर बाहरी शुद्ध हों, साथ वालों को पवित्र बनावें, शुभवाणी बोलें और सब मिलकर आनंदित होते हुए दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें। अपने शरीर में सब देवताएं अंश रूप से रहती हैं। यहाँ अग्नि ने वाणी का रूप लिया है, वाणी ने प्राण का रूप लिया है, जल ने रस का रूप लिया है, धूलोक सिर के स्थान में है, पांव के स्थान में पृथ्वी है। इसी प्रकार अन्य अवयवों में अन्य देवताएं रह रही हैं। ये सब देवताएं अनर्थ से युक्त ना हो, सदा सत्य में स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के लिए जितना चाहिए उतना विस्तृत कार्य क्षेत्र है। इस सत्य में स्थिर रहने वाले मिलकर आपस में सहकार्य करते हुए सत्य से पवित्र बनकर धर्ममार्ग से धन कमावें और धनी बने। शरीर की शुद्धि करें, अंतःकरण को पवित्र करें और अपने विचार, उच्चार और आचार से दूसरों को शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धार का मार्ग आक्रमण करें। सत्य से निर्भय होने वाले और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए अपने को पवित्र बनाने वाले लोग निसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयु की समाप्ति तक आनंद के साथ रहते हैं। इसीलिए मनुष्य अपनी पवित्रता का साधन करे और कृत कृत्य बने।